Oh my God. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। कैसे जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अगर नहीं गुजर रहा तो ईजी, टेंशन नहीं है आपने, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उसके अलावा आप जो हमारे पीछे खिलाड़ा देख सकते हैं इसको आप इग्नोर करें। फिलहाल आपको कुछ अपडेट दें और आज के दिन और प्लान के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो दिन तो जी रह नहीं चुका, दोपहर हो चुकी है। हमने जाना था तकरीबन 1-2 बजे शॉप पे और वो हम नहीं जा पाए, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी एक मिनट रुकें, मैं अच्छा शहरी हूँ ज़रा। ओए ठीक है। अच्छा जी, हमने जाना था जी 2 बजे, हम थोड़ा सा हो गए लेट। अब खैर हम घर से निकल चुके हैं शॉप पे जाने के लिए। आज के प्लान्स क्या हैं जी? तो आज के प्लान्स हैं कि हमने फजी, यस अल मशहूर फजी भाई की गाड़ी को री रैप हो रही है, वो उसका काम स्टार्ट हो चुका है। येलो उसका रैप उतर चुका है और दूसरा रैप उसका अब हो रहा है। उसके अलावा मीना की आपको अपडेट दें तो जी मीना इज ऑन एयर, माशाल्लाह बिल्कुल ओके गुड। उसके अलावा आपको थोड़ा सा बताऊं, ओ यार ब्रदर क्या बदतमीजी है यार, आपको उसका थोड़ा सा अब बताऊं। तो एक रिमोट जी हमारा ये रहा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं तो एक रिमोट हमने इधर लगा दिया, ठीक है। अब ये देखें इस तरह मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो ये बहुत ईजी एक्सेस में है मेरे, ठीक है। तो इधर से हम इजीली इसकी हवा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जी आज हमने मीना को करना है जी कैम्बर, जैसे कि आपने टाइटल से जान लिया होगा, ठीक है। अब सीन ये था कि जब हम गाड़ी इस्लामाबाद लेके गए थे तब हमने इसको चारों इसके पुराने वाले रिम टायर डाल दिए थे, T37 डले हुए थे ब्लैक वाले। उसके बाद जब हम गखड़ गए थे अली भाई के पास एयर फिट करवाने, तो हमारे पास एक अपना रिम था जिस पर हमने फ्रंट की फिटमेंट बना के चेक की, तसल्ली की थी अपनी कि इस पर गाड़ी कितना ड्रॉप हो रही, क्योंकि उसकी टायर प्रोफाइल में और उन रिम्स की टायर प्रोफाइल में फ़र्क है। आज जी हमने इसके जो बैक वाले रिम्स हैं वो वापस इसको लगाने हैं, जो डीपडिश वाले हैं हमारे रेड वाले, ये वाले। इनको लगाने के लिए जी हमें ज़रूरत है कैम्बर किट्स की, जिस तरह गाड़ी हमारी पहले कैम्बर्ड थी कैम्बर किट्स पे, वो जाके फिट करती हैं फजी भाई, फिट करेंगे कैम्बर किट्स। इसकी कैम्बर किट वगैरह फिट करके इसको थोड़ा सा हमने देखना है कि इसकी किस तरह की फिटमेंट बन रही है, क्योंकि कॉयल ओवर्स में तो थोड़ा सा और हिसाब था, लेकिन एयर पे हमें थोड़ा सा एहतियात करके इसकी फिटमेंट बनानी है। इसे बैग के पास जाता नहीं है ये कैम्बर, अगर हो भी जाए तो बीच में शौक आता है रीबर्थ का, तो वो बैग पे इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा एहतियात से इसकी फिटमेंट बनानी है ताकि गाड़ी चलती भी रहे, डेली ड्रिवन भी रहे हमारी, ज़रा स्टेबल भी रहे और कैम्बर भी हो जाए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब मेरे हिसाब से 4 दिन रह चुके होंगे पार्क व्हील्स लाहौर में, तो इंशाल्लाह जी पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है पार्क व्हील्स लाहौर की। इस कैम्बर वगैरह के अलावा भी काफ़ी सारे मामलात हैं जो अभी जारी हैं, जो भी होने हैं। EF रैप होनी है हमारी, मीना के साइड पैनल्स पेंट होने हैं, इसका बम्पर शायद अगला हम पेंट करवा लें, तो ये सारे काम शाम साथ ही हैं। फिलहाल चलते हैं शॉप पे और जाके फिर देखते हैं कि आगे जिंदगी में क्या है करने को। One hour later. तो जी भाई जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं जी रिम्पा प्लाजा, और ये खड़ी है जी हमारी मीना, और ये है जी हमारी मीन मोटर स्पोर्ट्स। और इसके आगे अगर आपको चेक कराएं तो फजी ES की गाड़ी मौजूद है, जिसके ऊपर से येलो रैप हो चुका है जी गायब। उसके अलावा तो पूरी गाड़ी की इन्होंने मंजाइयाँ वगैरह कर दी हैं, जिसको वो कहते हैं सैंड पेपर से शब करना, ये मौजूद है जी फजी ES हमारे साथ। और ये मौजूद है जी अल मशहूर सान अंसारी डब, ओहो सब पे भारी, ओ सॉरी। अपडेट आपको दें जी, तो फजी ES अपनी गाड़ी के जो पार्ट्स डल हुए हैं, जिस तरह ये सिल्वर बम्पर है इस पर ब्लैक स्प्रे पेंट मार रहे हैं, उसके अलावा जिधर मंजाइयों की वजह से नीचे से अस्तर बाहर आ गया उसके ऊपर ये स्प्रे पेंट मार रहे हैं, ताकि रैप के नीचे से बिल्कुल भी कोई डिफरेंट शेड ना आए। इसके रैप का जो कलर है वो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा आधी गाड़ी तकरीबन हो चुकी है, आधी तो नहीं खैर फ्रंट शो गाड़ी का हो चुका है, तो
तो देखते हैं क्या है, अभी मीना का काम भी स्टार्ट करते हैं साथ। कुछ ही स्किंटों में बम्पर काला हो गया, धूप शिंदे लगे हुए हैं तेज रफ्तार के साथ। फजीए साहब हमें बताएं क्या आपको ये पिंक रैप का आइडिया किधर से आया और क्यों आया? पिंक चीजें बचपन से बड़ी पसंद। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? यार इसको देख, इसके आगे व्यू डालनी पड़ी है ब्रो। समझ रहे हो फजी इसके रैप पे आ जाएं जी। ये आप चेक कर सकते हैं इनके रैप का रोल। इसके अलावा फजी इसने जो कलर चूज़ किया है ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का है, बेबी पिंक भी आप इसको कह सकते हैं। कैमरे में थोड़ा सा ये लाइट ज़्यादा फील हो रहा है, लाइट थोड़ी सी कम करें तो ये देखिए इस तरह का कलर है, बेबी पिंक स्टाइल। फजी ऐसे इधर अपनी किट पे से पुराना अपना टैक्सी रैप तो आ रहे हैं, नो मोर टैक्सी ओनली पिंकी। ये जी फजी इसके लिए फ्रेश साइड पैनल भी निकाल लिए हमने, ये भी इस पर फिट करते हैं। फ्रंट बम्पर सबसे ब्रेकी वाला काम ब्रेकी से किया जा रहा है, वो पूरी साइड और डिक्की हो चुकी है। मैं फजी भाई का मिंदा तला कर रहा हूँ फिर रिवर्स का काम शुरू कर दें, लेकिन ये मुझे इनका मूड नहीं लग रहा। भाई जान एक्सक्यूज मी, आपने मीना के रिम टायर बाहर आ चुके हैं, फजी इसने फाइनली नियत कर ली है कि ज़िंदगी में कुछ कर लें, बस जाने हो जाए फिर काम स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसी सिचुएशन में फंसी है, हमें ईंटे ला के देते थे और हम ईंटों पे गाड़ी चढ़ा के जाके इसके अंदर घुसाते थे। फिलहाल लाइफ कुछ ऐसी है कि इधर आ जाए जी पीछे। ये है जी अपना एयर बी एफ टी का बैग, उसके अलावा ये है जी जनरल कैम्बर खींचे जो रीबर्थ की होती हैं, उसके अलावा ये ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा मीन्स के हमारे बैग शॉक्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं। कैमर किट्स पे आएँ तो ये हैं जी हमारी कैमर किट्स, दीज आर नॉट ओरिजिनल कैमर किट्स, ये पाकिस्तानी लोकल मेड देसी टाइप कैमर किट्स होती हैं, लेकिन दे आर रिलायबल एंड गुड इनफ कि आप इनको यूज़ करें और जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं। उसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इस पर कैमरा ज़रा ज़्यादा हो जाता है और गाड़ी ओके स्टेबल भी रहती है, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है। उसके अलावा फजी यस इज रेडी टू इंस्टॉल, बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी बिग ड्रॉप हो गया जी बॉयज पीछे से। ओए 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 किधर को जाई जाती हो यार, बेहतरीन। बेहतरीन भाई, गुड, वेरी गुड। फ्रेम टच नहीं हुआ, मैंने गाड़ी लाइव देखी है। ओके नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, साइड पे कभी भी नहीं चल सकती। बहुत बिग बिग ड्रॉप, एयर राइड फॉर यू। क्या बात है जी, बेहतरीन ड्रॉप हो गया। Yes, fitment yes, for you. Ali Raza for you. Hasan Bhatt on Patta for you. मुझे बॉयज इस पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा था कि गाड़ी जब हम मज़ीद कैम्बर करेंगे तो वो मज़ीद ड्रॉप होगी, और वही हुआ है, एग्जैक्टली वही हुआ है। गाड़ी कैम्बर की और पीछे से ड्रॉप, उफ़ पप्पू ड्रॉप हो गया, कसम से बहुत बहुत प्यारा ड्रॉप है। इतना ड्रॉप अमूमनली तब होता है, एक दफ़ा मैंने रीबर्थ अपनी जब एयर नहीं थी तब कॉयल ओवर्स भी की थी, कॉयल ओवर्स पे भी क्या इसके पिछले शॉक्स भी हमने निकाल दिए थे, पिछले स्प्रिंग भी निकाल दिए थे, फिर जाके इसका इतना ड्रॉप हुआ था। तो ये इतना रिम इसका अंदर गया, बहुत मज़ेदार सीन हो गया ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत गुड ड्रॉप, वेरी नाइस ड्रॉप। यार खूबसूरत साइड पैनल्स, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पप्पू। ये जी बॉयज फजी यस इन न्यू लुक्स माशाल्लाह। अभी बस थोड़े से ट्विक्स रह गए, बम्पर अपना अंदर जाना है, स्पॉइलर लगना है इनका, ये बम्पर इधर से भी बाहर आया हुआ है, उसके बाद बस फिटिंग जारी है, फिटिंग्स हो रही हैं,
लेकिन माशाल्लाह इस कलर ने जो लुक निकाला है वेरी पप्पू। और पीछे से मुझे गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। ओ हेलो, खूबसूरत कलर, वेरी क्यूट एंड वेरी पप्पू। ब्रदर ये साकर ने डोरे मोन आएगा। ब्रदर ये पहले भी नहीं हुआ था, नजर नहीं आता, इजी स्टफ है। गाड़ी इतनी लो थी कि ये क्या है, ये कर्पेचा लाइफस्टाइल फोग लाइट, यू नो स्टैटिक। ओ यार वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज की वीडियो खत्म करते हैं यहाँ। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और फजी ईएस की गाड़ी का नया लुक भी बहुत पसंद आया, और ये जो इनोवेटिव सा कलर इन्होंने चूज किया ये भी आपको अच्छा लगा होगा। जी ये है कि कल भी हमेशा की तरह एक दफ़ा रैप हो गया जी लेट, खैर ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाए, लेकिन इस गाड़ी का नया लुक और इसका कंप्लीट लुक आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले ब्लॉग्स में। बाकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाइकों ने इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।